कुछ फिल्में बनाई जाती हैं और कुछ फिल्में जो है ना वो बन जाती हैं। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अजय देवगन सर की आज रिलीज हुई फिल्म मैदान, जो कि इंडियन फुटबॉल टीम की गोल्डन एरा यानी 1952 से 1962 के बीच की स्टोरी है। और क्या ही ये स्टोरी है। फिल्म भले ही 3 घंटे की हो, लेकिन जो रोलर कोस्टर राइड पे आपको ये फिल्म लेके जाती है और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है, लास्ट के जो 15 से 20 मिनट का जो सीन है ना, वो आपको अपने सीट से इस तरीके से जकड़ लेगी, इस तरीके से बांध लेगी ना, भले ही फिल्म खत्म हो जाए उसके बाद, लेकिन आपका वहां से उठने का मन नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म मैदान की, जो कि आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। और ये फिल्म अकेले रिलीज नहीं हुई है, आज रिलीज हुई है फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म मैदान की। और इस फिल्म में अजय देवगन सर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो है सैयद अब्दुल रहमान का। जी हाँ, और जिस तरीके से वो कैरेक्टर उन्होंने निभाया है, आपको लगेगा नहीं, अगर भले ही आप सैयद साहब की हिस्ट्री नहीं जानते, उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन जब आप ये फिल्म देखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि बंदा ये कैरेक्टर में इतना घुस चुका है कि जो डिटेलिंग आपको स्क्रीन पे दिखेगी ना, बहुत ही जबरदस्त। और एक्टिंग से 4 चांद लगा दिया है अजय देवगन सर ने, बिल्कुल। जब वो अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं, जब उनके पास बोलने को कोई डायलॉग्स नहीं होते, तो वहां पे काम आती है उनकी नशीली आंखें। और वो आंखों से जब एक्टिंग करते हैं ना भैया, सामने वाले की फटके 74 हो जाती है। और स्क्रीन पे जब उनकी डायलॉग डिलीवरी आती है, जब उनका इमोशन आता है, वो कैरेक्टर हर किसी से कैसे कनेक्ट कर रहा है, इतना एज होने के बाद भी जो उसकी टीम है, किस तरीके से उनसे वो इमोशनली जुड़ा हुआ है, उनके स्ट्रगल में साथ है, उनके जीत में साथ है, उनके हार में साथ है, अप्स एंड डाउन्स में साथ है, तो बहुत ही एक मतलब बेहतरीन, मतलब बोलू ना, बीएमसीएम को सोचना पड़ेगा इस फिल्म के आगे सरवाइव करने के लिए। भले ही फिल्म का टिकट का अभी अच्छा खासा जा रहा हो उसका, लेकिन ये फिल्म के सामने, क्योंकि इस फिल्म को पब्लिसिटी काफी अच्छी मिल गई। बीएमसीएम से गलती ये हुई, उसने जो प्रीव्यू शोज थे उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन मैदान ने क्या किया इस फिल्म में कि उसने रखा शोज, और फिल्म को स्टार्टिंग में ही पब्लिसिटी मिल गई। रिलीज होने से पहले ही फिल्म को पब्लिसिटी जो है वो मिल गई, और जब फिल्म रिलीज हुई है तो कमाल का रिस्पॉन्स बॉक्स ऑफिस पे देखने को मिल रहा है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये फिल्म देखो, आप बीएमसीएम देखो या ना देखो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं अगर रिकमेंड करूंगा, मेरी बात मानोगे तो आप ये फिल्म जाके देखो। 3 घंटा कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलने वाला है। तो फिलहाल जो है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हो चुकी है, और अब बहुत दिनों से रिलीज होने को ये फिल्म तरस रही थी। ये फिल्म आज की नहीं है, 5-6 साल पहले ये फिल्म का जो है शूट स्टार्ट हुआ था। डिले होते 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 कोविड आई, फिर ऐसे कर करके फिल्म बहुत डिले हुई और फाइनली फिल्म जो है रिलीज हो गई है। तो जाओ, एक मास्टरपीस, एक ब्रिलियंट एक्टिंग का जो क्राफ्ट होता है वो आपको देखने को मिलेगा, जो आपने अजय देवगन सर की प्रीवियस फिल्मों में देखा होगा, चाहे बात करूं दृश्यम की, या बात करूं सिंघम की, या फिर बात करूं हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म शैतान की। तो जाओ देखो और एंजॉय करो, बहुत ही मजा आएगा आपको। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, और चैनल पर नए तो कर ले सब्सक्राइब। मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।